नमस्कार दोस्तों, डी एम टीच में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन में आईडी कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आईफोन के ऐप स्टोर में चले जाते हैं। ऐप स्टोर में ये साइड में आपको लोगो दिखेगा। ये लोगो जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ जो है आपको, अगर पहले से आपका जो है एप्पल आईडी है तो यहाँ एप्पल आईडी और पासवर्ड डाल के जो है आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो ये जो है क्रिएट न्यू एप्पल आईडी करना है। क्रिएट न्यू एप्पल आईडी करने में इसमें जो है फ़ोन नंबर और जीमेल से आईडी बनाने का ऑप्शन आता है। अगर फ़ोन नंबर से बनाना है फ़ोन नंबर से बना सकते हैं, अगर जीमेल से बनाना है तो यहाँ जो है मैं मेरे को जीमेल से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना जीमेल डाल ले रहा हूँ। ये जो है मैंने आईडी और पासवर्ड दोनों डाल दिया। उसके बाद जो है आई एग्री का ऑप्शन यहाँ पर जो है क्लिक कर लिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें जो है अपना नाम और सरनेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ जो है मेरा पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ जो है नेक्स्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट का ऑप्शन मैंने क्लिक किया। इसके बाद जो है ये पोर्शन आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं उसके बारे में। तो यहाँ मेरे को पेमेंट ना करके इसमें जो है नॉन क्लिक करना है, क्योंकि मेरे को विदाउट पेमेंट वाला आईडी बनाना है। तो नॉन क्लिक करने के बाद यहाँ जो है मेरे को पूरा डिटेल भर लेना है। स्ट्रीट सब चीज़ यहाँ जो है मैंने स्ट्रीट पूरा एड्रेस मेरा फिल हो गया। यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ जो है नेक्स्ट कर ले रहा हूँ मैं। ये डन, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ जो है फ़ोन नंबर का वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा। तो मेरे को अगर टेक्स्ट के थ्रू चाहिए तो टेक्स्ट के थ्रू कर सकता हूँ, अगर फ़ोन कॉल चाहिए फ़ोन कॉल। उसमें जो है मैं नंबर पहले डाल दे रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ नंबर से वेरीफाई करना है। तो नंबर डाल के जो है मैं नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। मेरे नंबर में जो है कोड आएगा, ये कोड जो है मेरे को डालना होगा। नंबर डालने कोड डालने के बाद यहाँ जो है मेरे मेल में भी कोड आएगा 125255। ये कोड डालने के बाद इसमें जो है वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई जैसे ही हुआ तो ये जो है मेरे जीमेल में भी कोड जाएगा। तो जीमेल का कोड भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ जो है मेरा आईफोन का मेल का वेरिफिकेशन कोड है। ये वेरिफिकेशन जैसे ही मैंने डाला ये जो है आगे बढ़ जाएगा, वेरीफाई होगा। वेरीफाई कुछ सेकंड जो पासवर्ड जो है मेरे को दूसरा डालने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड जो है ऐसे डालना है, मतलब फर्स्ट लेटर जो है आपका बड़ा रहे और बाकी लेटर जो है छोटा रहे, ऐसा डालना है। उसके बाद जो है एक न्यूमेरिक कोड रहना चाहिए, और न्यूमेरिक कोड के साथ साथ जो है आपका ऐड द रेट हो या फिर कोई भी स्पेशल कलेक्टर ऐड कर दें। यहाँ जो है मेरा पासवर्ड चेंज करने के बाद ये जो है मैं नेक्स्ट कर ले रहा हूँ। पासवर्ड जो है एकदम ही मजबूत रहना चाहिए, पावरफुल, जैसे कि यह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ जो है पूरा डिटेल फिल करने के बाद ये जो है साइन इन हो रहा है आपका आई क्लाउड में। साइन होने के बाद आपको जो है आपका जीमेल आईडी और पासवर्ड जो अभी क्रिएट किए हैं वो जो है आपको कहाँ जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है उसमें डालना पड़ेगा। दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपका जो है आईडी क्रिएट हो गया अकाउंट में। यहाँ से जाके देख सकते हैं ये आपका आईडी क्रिएट हो गया। आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ जो जैसे मेरे को व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है तो व्हाट्सअप सर्च मार ले रहा हूँ। ये व्हाट्सअप सर्च मारने के बाद मैं जो है इसको डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक कर दे रहा हूँ। ये गेट किया। गेट करने के बाद ये जो है कि मेरा पासवर्ड डालने का, मतलब फिंगरप्रिंट मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, तो फिंगरप्रिंट डालने का ऑप्शन है। ये जो है मैंने फिंगरप्रिंट ऐड किया। ये मेरा हो गया पासवर्ड। पासवर्ड ऑन होने के बाद ये जो है ये देखिए डाउनलोड आपका स्टार्ट हो गया।